एक ओर प्रदेश कर्ज में डूब रहा है और वहीं दूसरी ओर प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह कर्ज के नाम पर अपने काले धन को सफेद करने में लगे हैं। ये बात सांसद अनुराग ठाकुर ने ऊना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। अनुराग ने कहा कि कांग्रेस के कई नेता भाजपा में आने को तैयार हैं, बस कुछ इंतजार कीजिए, जल्द ही इनके नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। अनुराग ने प्रदेश सरकार पर केंद्रीय योजनाओं में रोड़ा अटकाने के आरोप भी लगाए। एक बार फिर सांसद अनुराग ठाकुर ने सीएम वीरभद्र सिंह पर जुबानी हमला बोला है। अनुराग ने कहा कि सीएम वीरभद्र सिंह और उनका परिवार भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। अनुराग ने कहा कि वीरभद्र सिंह की कारगुजारियों के कारण ही प्रदेश कर्ज में डूबता जा रहा है, वहीं सीएम वीरभद्र सिंह कर्ज के नाम पर काले धन को सफेद करने में लगे हुए हैं। जनता सच्चाई बहुत पहले से जानती थी, लेकिन कानूनी कार्रवाई में लंबा समय लगा। भ्रष्टाचार करने वाले प्रदेश पर राज करते रहे, प्रदेश पिछड़ता रहा, प्रदेश भी कर्जे में डूबा और ये लोग कर्जे के नाम पर काले धन से करोड़ों रुपए बनाते चले गए। स्पष्ट नजर आता है कि एक नहीं पूरे परिवार के लोग इनके किस तरह से भ्रष्टाचार में शामिल थे। थोड़ी सी भी नैतिकता होती तो अब तक इस्तीफा देकर कोई भी साफ छवि का ईमानदार व्यक्ति अब तक पद से छोड़ चुका होता। वहीं अनुराग ने कई कांग्रेस नेताओं के भाजपा के संपर्क में आने का दावा भी किया। अनुराग ने कहा कि कांग्रेस के कई बड़े नेता कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा में शामिल होने वाले कांग्रेसी नेताओं के नाम जल्द ही सार्वजनिक होंगे। देखिए, कांग्रेस में इतनी उठक पटक चल रही है कि कांग्रेस अपने नेतृत्व से इतनी निराश है। कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि एक भ्रष्टाचार वाले व्यक्ति के खिलाफ अगर हमारा नेतृत्व कार्रवाई नहीं करता है तो हम यहां पर क्यों रहे। और आप कई उदाहरण देखिए, हेमंत बिस्वा जी असम से आकर उन्होंने कहा कि हमारे नेता कुत्ते को ज्यादा समय देते हैं, हमारी बात को सुनते नहीं, हमें अनदेखी करते हैं। बाकी राज्यों के नेताओं ने जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी उन्होंने कहा राहुल गांधी जी के पास तो सुनने के लिए समय नहीं। और शायद यही कारण है कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता चला जा रहा है। यही कारण है कि हिमाचल के कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और उनका केवल एक ही मन है कि जिस पार्टी में उनकी सुनी जाए, जो प्रदेश को आगे ले जा सके, उनका वो दामन थामना चाहते हैं। आपको केवल थोड़ा समय का इंतजार करना पड़ेगा, आपके सामने वो नाम भी आएंगे कि कांग्रेस के नेताओं की एक लंबी लिस्ट आप सबके सामने जारी हो। अनुराग ने प्रदेश सरकार पर केंद्रीय योजनाओं में रोड़ा अटकाने के आरोप भी लगाए। अनुराग ने कहा कि मोदी सरकार प्रदेश में करोड़ों की योजनाएं दे रही है, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार इन योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने में अड़ंगे डाल रही है। मोदी जी ने तो पहले ही प्रदेश को इतना दिया है जो 70 वर्षों में कोई सरकार नहीं दे पाए। हमें तो 7 नेशनल हाईवे नहीं मिलते थे 70 वर्षों में, इन्होंने 61 नेशनल हाईवे और 3 4-लेन के प्रोजेक्ट दिए। ऊना हमीरपुर रेलवे लाइन दी, नंगल ऊना तलवाड़ा रेलवे लाइन को पूरा करने के लिए, हिमाचल के पूरा काम करने के लिए पैसे का प्रावधान किया और इसके अलावा भनुपुली बिलासपुर रेलवे लाइन के लिए भी 600 करोड़ रुपए के लगभग दिया है। लेकिन प्रदेश की नकारात्मक सोच, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, IIIT हो, टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो, एम्स अस्पताल हो, इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है उन पर जमीन ना देना और जमीन उपलब्ध होने के बावजूद भी उसको ट्रांसफर ना करना, वो अपने आप में दिखाता है कि प्रदेश सरकार जानबूझकर केंद्र की योजनाओं में रोड़ा अटका रही है। वहीं कांग्रेस ने भी अनुराग पर जुबानी हमला किया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी सरकार ने 33 में हिमाचल सरकार का खजाना खाली कर दिया था। वह ये बात किस मुंह से कह रहे हैं, बीजेपी सिर्फ आरोप की राजनीति करती रही है। कांग्रेस ने कहा कि वह इस बार कांग्रेस सरकार को रिपीट कर बीजेपी को करारा जवाब देंगे। आज हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर जी ने यहाँ ऊना में एक वक्तव्य दिया और मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि वो बार बार उन्होंने एक ही राग अलाप रखा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं और उनका परिवार भी वहां से लिप्त है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी या उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, स्वयं वो सांसद हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार क्यों नहीं किया। वो ये कहते हैं कि पूरा प्रदेश आज कर्ज में डूबा है। मैं ये समझता हूं कि प्रदेश की सरकार को
वो इस हिसाब से खजाना खाली करके यहां से गए थे कि हमारा पूरा प्रदेश कर्ज में डूबा हुआ था, लेकिन ये तो लोकप्रिय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की कुशल नेतृत्व में आज प्रदेश सर्वांगीण विकास कर रहा है। और उनके ऊपर ये जो झूठे आरोप बार बार लगाते हैं ये सारे निराधार हैं और सच्चाई सामने आ जाती है। लेकिन मैं इनको ये कहना चाहता हूं कि ये लोग स्वयं आज नशे के सौदागरों के साथ इनकी रिश्तेदारियां हैं, इनके साथ वो लोग चलते हैं और बार बार एक ही बात को लेकर इन लोगों ने पूरे प्रदेश में एक शगुफा जैसे छोड़ रखा है, लेकिन उसका इनको फायदा होने वाला नहीं है। आज प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी बड़े अच्छे ढंग से यहां प्रदेश में काम कर रहे हैं और हमारी जो कांग्रेस की सरकार है उन्होंने प्रदेश में चौमुखी विकास किया है और उसके लिए जाने जाते हैं। आज ये कहते हैं कि केंद्र की योजनाओं का पूरा काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार ने तो ऐसे ऐसे संस्थान यहां खोले जहां हमारी तकनीकी विश्वविद्यालय आज हमीरपुर के अंदर है, एनआईटी हमारे वहां है, ट्रिपल आईटी यहां ऊना में हमारी यूपी की सरकार ने खोली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक कोई ऐसा प्रोजेक्ट तो बताए जो यहां हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में या कहीं हिमाचल प्रदेश में और कोई खोले। मैं अनुराग जी से ये कहना चाहता हूं कि वो बार बार इस आरोप को ना लगाएं, कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी चारों खाने चित होना पड़े, क्योंकि अभी तो आपकी बीसीसीआई से छुट्टी हुई है, भाजयुमो के अखिल भारतीय अध्यक्ष से छुट्टी हुई है, अब आने वाले समय में आपकी सांसद के रूप में भी छुट्टी होगी और जब आप लोग घर बैठोगे तब आपको पता लगेगा कि किस हिसाब से आप लोगों ने बेरोजगारों के साथ धोखा किया है, आप लोगों ने आम आदमी को कुचला है, आप लोगों ने प्रदेश के लोगों के साथ धोखा किया है। मैं अंत में ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह के ऊपर आरोप लगाने से बाज आए, अन्यथा हम लोग इनको भी मुंह तोड़ जवाब आने वाले इन चुनावों में रिपीट मिशन को कामयाब करके हिमाचल प्रदेश में पुनः सरकार बना के और प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को सातवीं बार जब मुख्यमंत्री वो बनेंगे इस प्रदेश के तो इनको चारों खाने चित होना पड़ेगा।